नमस्कार दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम बताएंगे कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ने पर क्या होता है, या कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, इसका फार्मूला कैसे निकल के आता है। इसको इसलिए बताएंगे, हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं कैपेसिटर कैलकुलेशन, कैपेसिटर को कैलकुलेट कैसे करते हैं या केवीआर कैसे निकालते हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन इसमें छोटे से वीडियो में बताएंगे कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है। कैपेसिटर कैलकुलेशन सीखने से पहले इसको हम देख लेते हैं कि इसका फार्मूला निकल के कैसे आता है, या कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ने पर क्या होता है, या इसको कैसे जोड़ते हैं, या इसका फार्मूला कैसे निकल के आता है। दोस्तों, हमने तीन कैपेसिटर लिया है, इसको हमने सीरीज में जोड़ दिया, C1, C2, C3। इसको जोड़ दिया एक वोल्टेज से, इसमें Q कूलाम आवेश फ्लो होगा। इस C1, ये B1, B2, B3, आपने पढ़ा होगा Q इजकल टू CB, तो इससे B इजकल टू Q बाई C निकल के आ गया। तो इसका फार्मूला का डेरिवेशन देखिएगा, बी इजकल टू B1 B2 B3, B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि इसमें तीनों में अलग अलग वोल्टेज रहेगा, इसलिए बी इजकल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तब B के स्थान पर आप लिख लीजिए बी इजकल टू Q बाई C, यहाँ से निकल के आ गया। तो यहाँ लिखेंगे Q बाई C इजकल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। क्यों तीनों में सेम इस क्यों है, इसलिए है कि यहाँ पे कूलम क्यों फ्लो हो रहा है, यहाँ आवेश तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहेगा और कैपेसिटर अलग अलग रहेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे रख दिया। तो क्यू बाई सी इजकल टू, यहाँ पर क्यू कॉमन ले लेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ गया, क्यू क्यू कट गया, तो 1/C इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका फार्मूला आएगा 1/C इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल में जोड़ते हैं दोस्तों, आप कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, एक कैपेसिटर हो गया, दो कैपेसिटर हो गया, तीसरा कैपेसिटर हो गया, इसको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसको पैरेलल में जोड़ लिया, यहाँ वोल्टेज दे दिया, यहाँ पर आवेश क्यू फ्लो होगा, यह है C1, C2, इसका नाम दे दिया C3। यहाँ पर वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा लेकिन जो आवेश फ्लो होगा इसमें होगा Q1, इसमें जो फ्लो होगा Q2, इसमें जो फ्लो होगा Q3। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब इसको पैरेलल में कैसे जोड़ने का, इसमें आपने अभी मैं पिछले इसमें बताया Q इजकल टू CB, तो यहाँ पर Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों में अलग अलग फ्लो हुआ, तो यहाँ पर आपने देखा भी Q इजकल टू CB, तो यहाँ इस फार्मूले में पुटअप कर दीजिए, तो CB इजकल टू CB C1B प्लस C2B प्लस C3B, क्योंकि B वोल्टेज जो है तीनों में कॉमन है और C1 C2 C3 अलग अलग है, इसलिए तो CB इजकल टू वोल्टेज कम ले लीजिए, कॉमन हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, वोल्टेज वोल्टेज कट जाएगा, वोल्टेज वोल्टेज कट गया, सॉरी, C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर से लिख लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। दोस्तों, देख सकते हैं अगर
कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर को सीधे जोड़ देंगे, सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। अगर तीन कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट कोई पूछ लिया तो उसको सीधे आप जोड़ सकते हैं, जोड़ने पर जोड़ के बता दीजिए कि इसका टोटल कैपेसिटर कितना आ गया। अगले वीडियो में बताएंगे कैपेसिटर का कैलकुलेशन। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।